वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स दोस्तों, एसएम इंक्यूबेटर्स में आपका स्वागत है। आपके सामने स्क्रीन पे देखो 1500 एंड 1000 के दो मॉडल्स हमारे पास अभी रेडी में हैं। मैं आपको इसको कैसे यूज करना है, इसमें से कैसे मुनाफा कमाना है, इसको कैसे केयर की जाती है और हमारे प्रोडक्ट क्यों ज्यादा इतने महंगे होते हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल में आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज किए जाते हैं इंक्यूबेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे तो ये 1500 का इंक्यूबेटर है। इसका इनसाइड में से देखोगे तो इस मशीन में 1500 एग्स आते हैं पर एग्स, मतलब पर ट्रे जो होता है चिकन का, इसमें 102 एग्स आते हैं। मतलब आपके ओवरऑल कैपेसिटी हो गई 1530 एग्स। उसके साथ 400 कैपेसिटी का हैचर आता है। देखो आप देख सकते हो ये हैचिंग ट्रे रहता है, इसमें आपके 204 एग्स आते हैं हैचिंग के लिए। ऐसे दो हैचिंग का ट्रे होता है, आप देख सकते हो। इसकी ओवरऑल कैपेसिटी आपकी हो जाती है 1900। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1000 कैपेसिटी वाला मॉडल। तो ये आप देख लीजिए 1000 कैपेसिटी वाले मॉडल में सेम ट्रे रहते हैं, खाली इसमें एक 10 ट्रे सेटिंग होते हैं हैचिंग के लिए, 400 के लिए जगह होती है। मतलब इसकी ओवरऑल कैपेसिटी देखोगे आप सेटर हैचर मिला के तो इसकी ओवरऑल कैपेसिटी हो जाएगी 1400। दोनों मशीन सेम प्लेटफॉर्म पे बने हैं, खाली कैपेसिटी और साइज आपको दिख रहा होगा वीडियो में थोड़ा डिफरेंस है। बाद में आप बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो इसका कैसा दिख रहा होगा आपको। तो हमारा जो भी मशीन है फुल हैवी प्लेटफॉर्म में बनाए जाते हैं, मतलब फुल हैवी में काम किया जाता है इसका। आप देख सकते हो फुल हैवी है, मैं आपको इसके ऊपर चढ़ के भी बताऊंगा, मतलब आपको समझ जाएगा कि कितना हैवी है हमारा प्रोडक्ट। मतलब किसी किसी की कमेंट आती है सर आपका प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, बहुत हमको अफोर्ड नहीं हो सकता, लेकिन सर उसमें वैसा हम चीज यूज करते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि कस्टमर को लॉन्ग टर्म तक मशीन यूज होना चाहिए। उसके बाद अभी मैं आपको ये मशीन चालू करके बताता हूँ। मतलब ये वीडियो मेरे न्यू, जो मेरे न्यू यूजर्स है, जो मेरे वीडियो पहली बार देखते हैं उनके लिए भी है और जिनको मशीन कैसे यूज करना है उन्हीं के लिए भी है। मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, लोगों तक गाइडेंस देने के लिए कर रहा हूँ। मैं एक ही वीडियो में सब दिखा देता हूँ आपको, मतलब मेरे को बार बार वीडियो भी बनाना ही ना पड़े, मतलब आपको एक वीडियो में सभी पूरी जानकारी आ जाए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह मशीन चालू करके दिखाता हूँ। ये इसका प्राइमरी हीटर है, ये सेकेंडरी हीटर है, ये ह्यूमिडिटी है, ये वर्क लाइट है और ये टर्न है। आप देख सकते हो ये जो मशीन अभी देखो आपको रनिंग कंडीशन में दिख रहा हो, यहाँ अभी टेम्परेचर आपको 72 बता रहा है, ह्यूमिडिटी 82 बता रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सभी स्विच ऑन कर लेने हैं। ह्यूमिडिटी स्टार्टिंग में ऑफ ही रखना है क्योंकि पहले टेम्परेचर को बढ़ने देना है मशीन में, उसके बाद ह्यूमिडिटी ऑन करना है। अब प्राइमरी सेकेंडरी हीटर लगा लिए तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ये सब हीटर्स बंद हो जाएगी। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी की जो लाइट दिख रही है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये इंक्यूबेटर्स में एक खास बात होती है कि ये दोनों हीटर्स मिलके काम करते हैं। मतलब अभी समझो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों 99.5 तक चलेंगे, लेकिन 99.5 पे प्राइमरी बंद हो जाएगा और सेकेंडरी पे स्विच करेंगे। इसका जो एक्यूरेसी रहता है वो एकदम मेंटेन, मतलब इसका एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट मेंटेन होता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वेट एंड ड्राई मीटर लगा है। देखिए आप इस पे देख सकते हो वेट एंड ड्राई मीटर लगा है, यहाँ ये भी ISO सर्टिफाइड होता है। इसमें आप अच्छे से मर्क्यूरी देखोगे तो जो आपको ऊपर दिख रहा है वैसे ही आपको इस वेट एंड ड्राई मीटर में दिखेगा। अभी आपको मेरे हिसाब से वीडियो में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको कुछ चमकता हुआ तारा, मतलब उसके अंदर चमकता हुआ पारा दिख रहा है। जैसे यहाँ पे अभी देखो 83 बता रहा है और यहाँ पे थोड़ा डाउन बता रहा है, तो ये कैलिब्रेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, ये वीडियो में कैसे कैलिब्रेशन करना है। तो अभी देखिए आपने ये मर्क्यूरी मीटर देख लिया, इस मर्क्यूरी मीटर पे अपनी इंक्यूबेटर्स की इस कंट्रोलर की सेटिंग होती है, ये कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ह्यूमिडिटी बंद करना है,
इस बार मशीन के राइट साइड में आते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैनुअल टर्निंग और फैन 1-2। अभी फैन सेंटर में है तो फैन ऑफ है। इसकी इस मशीन में दो फैन लगाए हुए हैं, मतलब एक इमरजेंसी के लिए, समझो प्राइमरी फैन खराब हो जाता है तो इसके लिए सेकेंडरी फैन लगाया है। एट अ टाइम एक ही फैन चलता है, इनकेस ऑफ इमरजेंसी आपका कोई फैन खराब हो जाता है तो उसके लिए हमने सेकेंडरी फैन रखा है। तो अभी ये फिलहाल मैंने ऑफ कंडीशन पे रखा है, कभी भी आपको फर्स्ट फैन ऑन रखना है। देखो अभी आपको आवाज भी आ रहा होगा फैन का, और मैनुअल टर्निंग जो है मैंने अभी ऑफ रखा है, आप चाहे तो यहाँ ऑन रख सकते हो चाहे तो यहाँ ऑन रख सकते हो, आपको दोनों जगह से कहीं भी ऑन रख सकते हो। देखो अभी मैंने ये बाजू ऑन रखा है तो ये साइड टर्निंग हुआ है, अभी मैं ये साइड रखूंगा तो टर्निंग का पोजीशन चेंज हो रहा है। देखिए आप देख सकते हो टर्निंग का पोजीशन अभी चेंज हो रहा है, अभी देखो टर्निंग ए टू बी आ रहा है और ऑटोमेटिकली 1 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक टर्न होगा। मतलब अभी देख रहे हो ये ए पोर्शन हुआ, उसके बाद बी पोर्शन हुआ, ये ऑटोमेटिकली टर्न होता है। मैं आपको एक्स भी रख के बताऊंगा इसमें एक्स कैसे रखे जाते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा, देखो ये वेट एंड ड्राई सेंसर दिख रहे होंगे आपको, देखो यहाँ पे एक सेंसर है, यहाँ पे रिबिन लगाया हुआ है, यहाँ पे भी एक बॉटल्स रखी है, वहां पे भी एक रिबिन लगाया है। ये क्यों लगाए जाते हैं, ये ह्यूमिडिटी मेजर करती है। अभी देखो चाइना के बहुत सारे कंट्रोलर्स आते हैं, इंडियन भी आते हैं, बहुत सारे कंट्रोलर्स आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ह्यूमिडिटी के लिए एक सेंसर दे देते हैं, उसको ऐसा रीडिंग सिस्टम नहीं होता, उसका लाइफ बहुत कम होता है। मतलब आप समझो 5 महीने 4 महीने में वो आपको ह्यूमिडिटी सही नहीं बताएगा, बीच में 80 बता देगा, बीच में 50 बता देगा, बीच में 60 बता देगा। ये जो फॉर्मूला है ना वो कितने सालों से चल रहा है और ये बेस्ट फॉर्मूला है जो आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अच्छे से मेजर कर सकते हैं। देखो ये पहला वाला जो सेंसर है ये ह्यूमिडिटी वाला है, इसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन होगा। ये सेकंड वाला है, इसमें टेम्परेचर मेजर करेगा। ये अभी देखो ये अभी मैं इसका निकल दी, ये भी टेम्परेचर बताएगा, लेकिन मैं इसके ऊपर ये जो पानी है इसमें पानी वाटर रखा है, इसके बाद ये मैं इसको रिबिन को गीला करूंगा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगा। डालने के बाद आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर, ये देखो सेंसर इसके ऊपर ऐसा लगा दिया, तब ये क्या मेजर करेगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इसमें लिखा है कंट्रोलर में, ये ह्यूमिडिटी है, ये टेम्परेचर है। मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि कैलिब्रेशन कैसे करना है आपको, मतलब कैलिब्रेशन कर गए तो आप सीख गए तो आप खुद एचडी के एक्सपर्ट हो सकते हो। टेम्परेचर तो 99-100 होना जरूरी है, ह्यूमिडिटी 80-85-6-90 के अराउंड बीच में होना जरूरी है। सेटर में हैचर, सेटर हैचर कंबाइंड होता है, उसमें 86% ह्यूमिडिटी देते हैं मोस्ट ऑफ सभी लोग। तो उसके बाद आप देख लिए होंगे इसमें कैसे ट्रे है, सेटिंग ट्रे। अभी इसका ये आइडल पोजीशन है, कुछ मिनट के बाद ये टर्न हो जाएगा। इसके आप डोर लॉक्स वगैरह देख सकते हो, फुल हैवी में है, मतलब इसमें कुछ भी आपको ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ कटिंग नहीं दिखेगा, फुल हैवी मटेरियल में बनते हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हो कैसा है मैन्युफैक्चर। इसका जो वर्क लाइट है दोस्तों, वो वर्क लाइट जरूरत के हिसाब से आपको ऑन रखना है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए ऑन रखा है, उसके बाद आपको बंद कर देना। किसी किसी का सवाल होता है हैचिंग के पीरियड पे हमको वर्क लाइट ऑन रखना है क्या, तो नहीं रखना है दोस्तों, उसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आप देख सकते हो ये एयर टाइट डोर लॉक होते हैं, देखो कैसे लॉक होते हैं, आपको मैं लॉक भी करके बताता हूँ। प्रॉपर तरीके से लॉक हो गया है मशीन। अभी मैं राइट साइड से मशीन का व्यू बताता हूँ। ये राइट साइड में जो इनटेक फ्लो होता है मशीन का, जो जहाँ से मशीन एयर लेती है मशीन के अंदर, मतलब मशीन के अंदर जो फ्रेश एयर आती है उसके लिए एडजस्टमेंट दिया है। समझो बहुत ज़्यादा ठंड है आपके पास तो आप थोड़ा नॉर्मली क्लोज कर सकते हो, आपके यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप आधा ओपन रख सकते हो, मतलब इसको मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो रिकॉर्डिंग आपके टेम्परेचर के हिसाब से। उसके बाद इस जैसे ही बाहर मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जॉस्ट वाल्व होता है। एग्जॉस्ट मतलब जो टेम्परेचर बनता है वो एग्जॉस्ट होने के लिए, तो एग्जॉस्ट होने के लिए ये जो हमने दिया है वो आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। देखो हम मैन्युअली एडजस्ट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट फ्लो आप चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी देखो मैंने हाफ ओपन रखा, इतना ही ओपन रखना है, ज़्यादा पूरा ओपन नहीं रखना है, पूरा एयर चला जाएगा, थोड़ा क्लोज ही रखना है, दब के एयर बाहर आना मांगता है, मतलब एयर को एक प्रेशर जनरेट होना चाहिए वो ज़रूरी होता है।
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मशीन में एक कैसे रखना है। अभी सब मेरे व्यूअर्स के में मेरे पास तो हैचिंग एग्स है नहीं, ये अपने जो खाने वाले टेबल एग्स आते हैं अनफर्टाइल होते हैं, मैं आपको रख के बताऊंगा। देखो एक का दो साइड होता है, एक बिग साइज और एक डाउन साइड। अभी ये ऐसे एग्स में एग्स का साइज पहचानना जो मतलब ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब ये देखो, ये आपको डाउन साइड दिख रहा है या अपर साइड दिख रहा है, आपको वीडियो में अच्छे से दिख रहा होगा। मैं अभी दूसरा एग लेके बताता हूँ, अभी इसमें आपको समझ में आएगा ये डाउन साइड है या अपर साइड है। तो आपको इस ट्रे में कैसे रखना है, ये देखो ये जो ट्रे है ना, इसमें आप छोटा एग्स डालिए चाहे बड़ा डालिए, एक ट्रे में 102 ही अंडा रहेगा आपका। तो मैं आपको रख के बताता हूँ, देखिए ये एग्स को आपको ऐसे रखना है, आप देख सकते हैं। नहीं और एग्स रख के बता दूँ, ये डाउन साइड है तो नीचे रखना है, अपर साइड ऊपर रखना है। सभी एग्स इस हिसाब से देखो, ऐसे कोई एग्स होते हैं ना उसमें पहचानना बहुत मुश्किल होता है, अपर साइड कौन सा है डाउन साइड कौन सा है। तभी भी देखो ऐसा एक थोड़ा अंदाजा लगा देना है आपको, ये थोड़ा डाउन साइड लग रहा है तो आपको ये नीचे रख देना है, इसमें ये डाउन साइड है, ये इसमें ये डाउन साइड है। अभी मैं आपको इतने एग्स रख के बता दिए, ये थोड़ा क्रैक है अभी। देखो मैं ये टर्न करने के बावजूद भी इसका एग्स मतलब जरा भी आपको डैमेज होता हुआ नहीं दिखेगा, देखिए आप देख सकते हैं उसमें से कोई एग्स वगैरह गिरते नहीं है, प्रॉपर उसमें एग्स बने रहते हैं, अटके हुए रहते हैं, मतलब वो वहां से निकलते नहीं है। ये 45 डिग्री रोटेशन है इसमें आप, ये 1000 कैपेसिटी का मशीन है, इसमें आप वीकली 330 to 335 एग्स आप वीकली रख सकते हो, मतलब वीकली प्रोडक्शन आप 335-30 एग्स रख सकते हो ट्रे में। और जिन एग्स को 18 डेज कंप्लीट होता है उस ट्रे को इसे शिफ्ट करना है, उस जगह पे दूसरे एग्स डाल देने हैं। ऐसे ही ये मशीन में वीकली आप 500 एग्स लगा सकते हो, 500 एग्स लगाओगे 500 एग्स नीचे हैच के लिए रखने हैं। उसके बाद आपको मशीन में राइट हैंड साइड में एक ह्यूमिडिटी बाउल दिख रहा होगा, आप देखिए ये जो ह्यूमिडिटी बाउल है इसमें आपको वाटर फिल करना है, बिल्कुल फैन में टच ना हो इस हिसाब से वाटर फिल करना है। वाटर का लेवल मेरा जो हाथ दिख रहा है उधर तक होना जरूरी है, आप पूरा फैन को डुबा नहीं देना है पानी में। हाँ ये हमने ऑटोमेटिक सिस्टम इसलिए नहीं रखा है कि कस्टमर ध्यान नहीं देते पूरा मशीन में पानी पानी हो जाता है, इसलिए आपको मैन्युअली फिल करना जरूरी है। आप ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स लेते हैं तभी भी आपको उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है, आपने ऐसा नहीं आज मशीन लगा दी 21 दिन के बाद देख लिए, ऐसा होता नहीं है इस मशीन में। तो आपको डेली एक बार तो ध्यान देना है, आपको डेली एक बार ये बाउल में पानी फिल करना है, फिल करके खाली ये ऐसा छोड़ देना है, फिर दूसरे दिन उसमें पानी भरना है। जब टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन हो जाए तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी का स्विच ऑन कर देना है, अभी ह्यूमिडिटी प्लस है इसलिए ये स्विच ऑन नहीं हुआ है। अभी आपको मैं इसमें आपको मैंने सभी बता दिया है, मतलब कैसा है कैसे यूज करना है। अभी इस मशीन का जो वेट है ये अराउंड 200 kg आता है, 1500 कैपेसिटी का जो मशीन है उसका वेट आपको जाएगा 200 kg, और ये जो मशीन है 1500 कैपेसिटी का इसका 140 से 150 के बीच में इसका वेट आता है हमारा। आपने देख लिया होगा बिल्ड क्वालिटी कैसा है, इसके जो कंट्रोलर है वो मेरे डिजाइन किए हुए कंट्रोलर है, इसमें आप देख सकते हो आप देखिए। और इसका पैनल भी बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, मेरे को आपको दिखाने के लिए मेरे पास देखो मैंने इसके पैनल्स ओपन ही रखे हैं, क्योंकि डिलीवरी टाइम में हम मेरे कस्टमर्स को बताते हैं। देखिए इसके जो पैनल है आप देख सकते हो उसमें सभी रिलेज है, एक्सटर्नल रिलेज है, ये प्राइमरी हीटर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेंशन किया हुआ प्राइमरी हीटर सेकेंडरी हीटर ह्यूमिडिटी और टर्निंग, ये एक्सटर्नल रिले, समझो इसका कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये मैन्युअली आप चेंज कर सकते हो। इसको खाली मशीन को चूहे से बचाना है, क्योंकि इसमें चूहा लग जाए तो सारी वायर कट कर देता है तो मशीन में तकलीफ आती है, उसके अलावा मशीन में कुछ भी तकलीफ नहीं आती। आप देखिए कैसा पैनल एकदम प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, ये सभी पैनल में मेरे हाथ से बताता हूँ, सॉरी मैं मेरे हाथ से बनाता हूँ। उसके बाद ये देखो इसका कवर भी इतना परफेक्ट है कि इसमें कुछ कॉकरोच भी नहीं जाएगा, मतलब आपको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हमने एक वोल्ट मीटर ऐड किया हुआ है इसमें, ये देखते हैं आपको कैलिब्रेशन कैसे करना है। तो कैलिब्रेशन देखो यहाँ पे टेम्परेचर आपको 88.7 बता रहा है, ह्यूमिडिटी 75.1 बता रहा है, तो वहाँ पे देखो ये वेट एंड ड्राई मीटर लगा है, वहाँ पे जो ड्राई लिखा है
वो टेम्परेचर होता है, और जो वेट लिखा है वो ह्यूमिडिटी होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। अभी देखिए ये वेट है या ड्राई है, तो समझो यहाँ पे मर्क्यूरी में देखिए, आपको मैं ऐसा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। देखो आपको मर्क्यूरी में देखो एक कुछ वैल्यूज दिख रही होगी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आपको यहाँ पे 93 आपको बता रहा है देखो मर्क्यूरी में, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपको 89 बता रहा है देखिए। और यहाँ पे देखो टेम्परेचर वेट है, अरे सॉरी ड्राई है, ड्राई में आपको टेम्परेचर जो बता रहा है अभी आपको देखेंगे कि ये 94 के आसपास जा रहा है। तो आपको क्या करना है इसमें, जो ये जो है ये कंट्रोलर में ये काल की प्रेस करना है। काल की प्रेस करने के बाद आपको ये अप बटन से अप एरो जो है वो अप एरो दबाने से आप देखिए 94 में आपको करके बताता हूँ, 94 करना है। फिर बाद में वापस मेनू बटन दबाना है। अभी ह्यूमिडिटी 74 बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी देखेंगे तो देखो 74 ही है, क्योंकि जो स्टार्टिंग है आपको जो यहाँ पे जो स्टार्ट दिख रहा होगा ये देखिए यहाँ पे जो आपको स्टार्ट दिख रहा हो 80 है, तो 80 के नीचे ही आपको मर्क्यूरी दिख रहा है देखो, क्योंकि ह्यूमिडिटी जनरेट ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अभी मशीन में वाटर का पानी का बाउल ही नहीं डाला है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको वापस ये मेनू प्रेस कर देना, मैं आप ये देखो ये ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो देखो, उसके साथ कैलिब्रेशन कर सकते हो, फिर ओके दबाने ना। फिर 94.3 देखो आप देखिए टेम्परेचर तो 94.3 आपको देखो 94 के ऊपर थोड़ा मर्क्यूरी दिख रहा होगा, फिर उसके बाद ये बड़ा लाइन है 95 हो जाएगा, उसके बाद 100। तो आपको ऐसे कैलिब्रेट करना है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को, इस हिसाब से कैलिब्रेट करना है। जब आपका टेम्परेचर 99 हो जाए तो आपको ये ह्यूमिडिटी वाला लाइन ऑन करना है। बाकी ये टाइमर का है, ये तो पूरा सेटेड होता है, ये टर्निंग के लिए है, 45 डिग्री में रोटेशन होते हैं हमारे एग्स, उसके लिए ये ज़रूरी होता है। अभी आपने तो पूरा देख लिया होगा 1000 और 1500 के मॉडल्स कैसे हैं, आप देख सकते हो। इसका बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है भाई ये सीट कौन सा यूज़ करते हैं इसके लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास हेवी अल्टो बॉन्ड करके एक सीट आता है, वो बहुत हेवी होता है, बैकलाइट मतलब आप देखोगे तो 5mm फुल होता है, मतलब वो कभी ऐसे ख़राब नहीं होता। मैं आपको एक टुकड़ा भी बता दूंगा मशीन का टुकड़ा कैसे आता है। उसके बाद देखिए पूरा जो मशीन का स्ट्रक्चर है ना, तो पूरा स्ट्रक्चर आप जो मशीन का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये देखिए जो गैलोनाइज के पाइप है, देखिए आप देख सकते हो ये जो गैलोनाइज के पाइप दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए ये पूरा एक का गैलोनाइज का हेवी में पाइप आता है, ये पाइप में पूरा मशीन का फ्रेम बनता है आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखिए हमारा ये जो सीट है, ये देखिए आप कैसी हेवी वाली सीट आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हल्का वाला यूज़ करते, देखो पूरा हार्नर सीट आता है, इसको आप दो टुकड़ा तोड़ोगे तो उसके चार टुकड़े हो जाएंगे, इतना हेवी रहता है। देखिए देखिए कितना हेवी होता है, ये बहुत हार्डनर सीट है, देखो हमारे लड़के ने आपको तोड़ के भी बताई है कैसी सीट है। अभी देखिए आपको ये जो नया मॉडल दिख रहा होगा, ये हमारा न्यू मॉडल लॉन्च हो रहा है 600 कैपेसिटी में। बहुत सारे यूजर्स की कमेंट आ रही थी कि हमें 600 कैपेसिटी का भी भाई कोई 45 डिग्री रोटेशन में मशीन बताइए। ये 1000 की बॉडी है ये मशीन की, लेकिन इसकी जो बॉडी है ये देखो आपके सामने बन रही है, ये प्रॉपर तरीके से इसकी बॉडी है। ये अभी ऑर्डर्स पे हमारे दो मशीन्स है, उसके लिए ये दो मशीन सेम प्लेटफॉर्म होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, खाली कैपेसिटी कम होगा। ये हमारी मशीन्स डिज़ाइन की गई है, देखो आप देख सकते हो पूरा इसमें गैलोनाइज का बॉक्स चैनल है, आप देख सकते हो उसके देखो अंदर के जो जो सपोर्ट लगे हैं उसकी उसकी मार्किंग है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि ये देखिए ये सपोर्ट है ये, उसके बाद ये सपोर्ट दिख रहा होगा, देखो बैक साइड में सपोर्ट देखिए, फिर ये साइड में आप सपोर्ट देखिए मशीन के, उसके बाद ये राइट साइड में सपोर्ट देखिए। अभी इसका मशीन है ना, ये अभी इसका जो 600 कैपेसिटी का फ्रेम जो बन गया है मशीन का, आप देख सकते हो ये 600 का कैपेसिटी का जो फ्रेम है ना, वो भी दो आदमी से अच्छे से उठेगा नहीं, वो बहुत हेवी हो जाएगा। अभी 1000 कैपेसिटी का भी चार लोग लगते हैं मशीन उठाने के लिए, वैसे ही 1500 के लिए भी एक चार से पांच लोग लगते हैं, हमारे पूरे हेवी में आते हैं मशीन,
मतलब ऐसा आप वन टाइम एक बार इन्वेस्टमेंट कर लो तो आपको बार बार खरीदना नहीं पड़ता है। अभी आप देखिए, आप क्वालिटी टेस्ट करना है तो मैं मेरे लड़के को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप उसके ऊपर चढ़ के भी बता दीजिए, बैठ के भी बता दीजिए। मैं थोड़ा कैमरा लेता हूँ, आप देखिए उसका बिल्ड क्वालिटी देखिए। मतलब ऐसा नहीं, हम मार्केटिंग के तौर पे नहीं करते, हम लोगों को अच्छा गाइडेंस देते हैं। बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट्स होता है कि देखिए कैसे क्वालिटी है हमारे मशीन्स की, देखिए ये देखिए, वो कहीं पे भी चढ़ जाए कुछ भी नहीं होगा उस मशीन को। देखिए फुल हैवी मटेरियल में आता है, देखो उसके पैर भी देखिए कैसे पैर रखे। उसके बाद आपको तो 1500 के ऊपर ही चढ़ के बता दिया है, तो आप देखिए उनका तो वेट 80-85 केजी तो होगा ही, तो आप देख सकते हो कैसा हमारा मशीन है। देखो कहीं पे भी कुछ भी क्रैक नहीं हुआ, एकदम हैवी मेटल में आता है। इसको हमको सरकाने के लिए भी यहाँ पे ये नीचे सीट रख के सरकाना पड़ता है, क्योंकि वो मशीन हिलती भी नहीं है, इतनी हैवी है। मतलब आपको वन टाइम ही इन्वेस्ट करना है सर, आपको बार बार इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार ले लिए तो आपका लाइफ टाइम के लिए उसका हो जाता है आपको, इसलिए इस मशीन का ये कॉस्ट है, देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा मशीन का बिल्ड क्वालिटी कैसा है, इसका रेट क्यों है इतना महंगा, तो आपने देखा होगा मतलब ये मशीन को हमने इतना हेवी क्यों बनाया। क्यों, एक बार लेंगे, कोई खर्चा कर रहे हैं उनको बार बार नहीं करना चाहिए। हम देखो क्या है, मेरा मार्केटिंग मेरे खुद के पास रखा हूँ, मैंने किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया। क्यों, क्योंकि एक बार हम थर्ड पार्टी दे देते हैं तो उसका क्या ना क्वालिटी खराब हो जाता है। हम जिधर अभी महीने में 10 मशीन बना रहे हैं, उधर हम 40 बनाएंगे, तो 40 बनाएंगे तो घाई में होती है। हमारी मशीन प्यार और एकदम एक्यूरेसी में बनाई जाती है। देखो कोई भी चीज आप अच्छे से बनाओ तो उसमें आप जान डाल देते हो, और गड़बड़ी में बनाओगे तो आपकी वो चीज प्रॉपर नहीं होती। तो हमारी सभी मशीनें है ना, वो एकदम एक्यूरेट मेंटेन की जाती है, मतलब उसमें जरा भी कुछ ऐसी कामियां खूबियां नहीं रखते हम लोग, पूरा अच्छे से डिजाइन करते हैं। इसकी सभी डिजाइन है वो मैं खुद करता हूँ, उसके ऊपर मैं सभी मशीन के ऊपर रिसर्च करता हूँ। ऐसे नहीं बना दिए बेच दिए बात खत्म, ऐसे नहीं। आपको तो पता ही होगा मैं मेरे कस्टमर के साथ एक रिलेशन मेंटेन करता हूँ, मतलब उनको भी अच्छा गाइडेंस मिले, उनको भी अच्छा प्रॉफिट हो। अब ये मशीन लेने के बाद अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, समझो आपके खुद के पेरेंट्स है। मैंने आपको वीडियो बताया है, मतलब वीडियो में कितने पेरेंट्स होने जरूरी है आपको 1500 के लिए और 1000 के लिए, तो इससे आप महीने में एक 25,000-30,000 रुपए आराम से कमा सकते हो, और इससे 20,000-18,000 रुपए आराम से कमा सकते हो इस मशीन से, वो भी स्मॉल स्केल पे। ज्यादा पेरेंट्स भी नहीं रखना है आपको, खाली 100 पेरेंट्स से आप इतना इस मशीन से कमा सकते हो। पूरा ओवरऑल इनकम है हमारा, इनकम ऐसा नहीं भाई बता दिए मशीन लेने के बाद लाख रुपया मिलेगा और आप जब करने जाओगे तो खाली 50,000-20,000 ही निकल रहा है। हम पूरा कैलकुलेट करके, जो बिगिनर है मतलब जिनको मशीन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए एक 20,000-25,000 रुपए इस मशीन से आसानी से कमा सकते हो, वो भी क्या चिक सेल करके। वही बच्चे को आप बड़ा करके बेचोगे मशीन से निकला हुआ बच्चे को, तो आपको ज्यादा फायदा होता है। वैसे ये मशीन से आप 18,000-20,000 रुपए कमा सकते हो, ज्यादा आपको अंतर नहीं आएगा, मतलब खाली 500 अंडा का अंतर है। उस हिसाब से आपको पेरेंट्स डेवलप करने हैं। इस मशीन में वीकली 500 एग्स होने बहुत जरूरी है, उसमें वीकली आपको 330-335 अंडे होने जरूरी है। तो ही मेरे व्यूवर्स को कहना चाहूंगा, आप मशीन लीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। कोई कोई बंदों का रहता है भाई मैं बाहर से एग्स लेके आऊंगा फिर हैच करूंगा, ये वन टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम के लिए ठीक होता है, उसके बाद आपको खुद के पेरेंट्स डेवलप करने जरूरी होते हैं। मैं मेरे सभी यूजर्स को यही गाइडेंस देता हूँ कि भाई आप आपके खुद के पेरेंट्स डेवलप कीजिए, आप बाहर से एग्स मत लाइए। बाहर से एग्स लाओगे तो आपको एग्स 10 रुपए का मिलता है, आप खुद एग्स आप तैयार करना चाहोगे तो आपको उसमें एक एक पर एग्स आपको अभी के टाइम में आपको 4.5-5 रुपए खर्चा आता है। समझो आप थोड़े और बिगिनर हो उसमें, आपको नहीं समझ रहा है कैसे करना है, तो मैक्सिमम 5.5 रुपए खर्चा आता है, फिर आपको उसमें अच्छे से प्रॉफिट हो जाता है। मतलब आपको एक खुद का बच्चा ही आपको घर में एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी निकाल के लेबर निकाल के आपको 8-8.5 रुपए में आपको आपका बच्चा गिरता है मुर्गी का, वही आप मार्केट में लेने जाते हो तो 20-25 रुपए में मिलता है। तो अभी समझ लो कि आप इसमें मशीन से आप महीने में कितना कमा सकते हो। अभी इसके बाद होता है सर मार्केट, आपको बेचना कैसे है। देखो अभी क्या है पोल्ट्री बिजनेस में ना बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए हैं। अभी देखो मैं बच्चे निकाल रहा हूँ, लेके कोई और जा रहा है, बेच रहा कोई और है। तो मेरे सभी व्यूअर्स को मैं यही बताना चाहूंगा भाई, आपको कोई चीज बेचनी है ना तो आप मार्केट में ऐसी क्वालिटी रखिए
जैसे देखिए आपको एक क्वालिटी रखोगे तो लोग आपके पास सामने से आएंगे, तो आपको मुर्गियों की अच्छी ब्रीड रखनी है, उसको अच्छी मेंटेन किए हुए पेरेंट्स रख रहे हैं, उसके बाद अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए चिक्स की, तो आप मार्केट में अच्छे से बेच सकते हो। कोई भी बंदा देख के ही खुश हो जाएगा कि भाई ये मुझे लेना है। अभी बहुत सारा जगह पे देखिए आप देखे होंगे कि प्योर देसी जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों के तो बहुत सारे टाइप्स आते हैं, कोई हाइब्रिड आती है, कोई देसी आती है, कोई कावेरी आती है, तो आप ऐसी ब्रीड चुनना है एज आपके लोकेशन के हिसाब से। देखो अभी कहाँ पे देखोगे तो कहाँ पे कावेरी को डिमांड है, कहाँ पे कड़कनाथ को डिमांड है, कहाँ पे डबल एफ जी ब्रीड चल रहा है, कहाँ पे गिरिराज वनराज चल रहा है, फिर कहाँ पे व्हाइट लेगोन चल रहा है, किसी जगह पे अभी देखने जाओगे तो प्योर देसी ही चल रहा है। अभी जो मेरे धुले वगैरह साइड है वहां पे धुले पुणे वगैरह ये साइड में तो देसी का ही बहुत लोग करते हैं, तो आपको एक क्वालिटी मेंटेन करना है। और मेरे व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा भाई आप खुद कर रहे हो तो आपका मार्केट भी खुद ही कीजिए, आप आपके पेरेंट्स भी खुद ही बेचिए, किसी तीसरे पर्सन को नहीं दीजिए कि आपको उसमें लॉस हो जाएगा। आज के टाइम में ट्रेडर्स ही कमा रहा है फार्मर से ज्यादा, तो आपको आपकी मार्केटिंग खुद करनी है, इतना ध्यान रखिए। अभी देखो ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में आप 200-250 केजी का जो बच्चे का मुर्गी होता है वो बेचिए, वो भी अच्छे रेट में जाता है। अभी उसके बाद अभी होली में, जब अभी होली का त्यौहार आएगा, होली में एडल्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, होली के बाद थोड़ा मार्केट डाउन हो जाता है, थोड़ा मार्केट डाउन होने के बाद वापस जून महीने में बारिश के टाइम में वापस मुर्गियों का डिमांड बढ़ जाता है। मतलब आपको इसमें फायदा ही है दोस्तों, नुकसान कुछ भी नहीं है। इसमें आप बटर के भी एग्स लगा सकते हो, पोल्ट्री बिजनेस ही आपका प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, जिनका रिटायर्ड लाइफ है वो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे ही सारे कस्टमर्स है जिनका किसी का रिटायर्ड लाइफ है, अभी क्या करे, हमको तो अभी एज हो गया है, हमको तो चलना फिरना घूमना है, तो पोल्ट्री बिजनेस कर लेते हैं, उसमें भी सक्सेस होता है। उसके बाद कोई यंग जनरेशन है उनको पोल्ट्री बिजनेस करना है तो वो भी कर सकते हैं, किसका प्रॉपर बिजनेस है, समझो दूसरा कहाँ नौकरी कर रहे हैं वो साइड बिजनेस के तौर पर पोल्ट्री बिजनेस कर सकते हो। लेकिन पोल्ट्री बिजनेस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट बहुत होता है आपको। ये तो इंक्यूबेटर्स आपके पोल्ट्री का खाली 20% इन्वेस्टमेंट है, आपके जो पेरेंट्स है वो आपका 80% इन्वेस्टमेंट है, आपकी मशीन खाली 20% इन्वेस्टमेंट है। आपके खुद के एग्स होंगे तो आप इंक्यूबेटर्स के किंग हो सकते हो, आप उसमें अच्छा मुनाफा निकाल सकते हो। ये मैं मार्केटिंग के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छा सुझाव दे रहा हूँ। मतलब सोचिए आपको एक बच्चा इतने में पड़ रहा है तो बड़ी बड़ी हैचरी में आपको कितना फायदा होता होगा। कैसे हम भी फार्मर ही है, मैंने भी शुरुआत पोल्ट्री से ही की थी। मेरी बहुत साल पहले एक पेडिगुरी चैनल है, वहां पे एक मेरी वीडियो आई थी, तब मेरी तो शुरुआत थी, मैं 5-8 मशीन बनाता था उस टाइम पे। अभी तो मेरा आप देखे ही होगे कि कितना बड़ा कामकाज है, मैं ऑल ओवर इंडिया और गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट का ही काम करता था मैं पहले, लेकिन अभी मैंने इंक्यूबेटर स्टार्ट किया एक 2017 से, तो तब से मेरी एक कंपनी है SM इंक्यूबेटर्स, वो मैं लॉन्च किया हूँ। उसके बाद आप देखोगे तो हमने भी फार्मिंग की है, हमको फार्मिंग के बारे में पूरा ज्ञान है, मैं गवर्नमेंट से ट्रेनिंग देता हूँ कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, क्या वैक्सीनेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मेरा यूट्यूब पे नंबर दिया हुआ है, वो आप उसके ऊपर जाके देख सकते हो, मेरे को कॉल करिए, मैं एनी टाइम सबको गाइडेंस दे सकता हूँ। हाँ कभी वेटिंग आए तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको थोड़े देर बाद कॉल बैक जरूर आएगा, ये हमारा वादा है। मैंने ही खुद रखा है, क्या है मेरा पूरा ऑनलाइन मार्केट है, तो मेरे को बहुत ज्यादा फोन आते हैं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग सभी देखना पड़ता है, मेरा मेरी वाइफ और हम दोनों मिलके हम SM इंक्यूबेटर चला रहे हैं, मेरे जो भी मेरे वर्कर्स हैं, मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा हमारा कैसा मैनेजमेंट है इंक्यूबेटर्स का। मेरी भी पोल्ट्री बताऊंगा जो कुछ साल पहले थी, अभी बंद की हुई है क्योंकि हमारे पास कोई करने वाला प्रॉपर नहीं है, हमारे इंक्यूबेटर से ही टाइम नहीं मिलता, लेकिन जल्दी हम भी डेवलप करने वाले हैं हमारी पोल्ट्री, तो आपको भी अच्छा फायदा हो सकता है उसमें। अच्छे से करोगे तो एकदम प्रॉपर वे से करोगे ना प्योर देसी में, तो कोई कोई 60-70 हजार रुपए भी कमा लेता है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में खाली 20-25 हजार रुपए इसलिए कहा है कि आप हमको बाद में गाली ना दे, इसलिए हमने आपको अच्छी तरह से गाइड किया है दोस्तों। उसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को जरूर फोन कीजिए, मैं आपके लिए एनी टाइम जुड़ा रहूंगा। उसके बाद आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।